Look who's finally here. Dilao. Hello, bolo hello. Hello. उस टाइम हम भूत जैसा बनाते हैं। और यहाँ से ऐसे हो गया। मुझे भी छूकेगी हाँ। हाँ ठीक है। इको हिला मत। This is the first attempt that I did. Yay! Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another vlog. I hope you all are doing fine. और आज मैं बहुत टाइम के बाद व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट इन टू द प्रैक्टिस ऑफ व्लॉगिंग मोर. एंड आज क्योंकि मकर संक्रांति भी है तो घर पर कुछ कुछ चीज़ें होने वाली हैं, तो आई थॉट वाई नॉट टू व्लॉग, यू नो, स्टार्ट अ व्लॉग टूडे. एंड ऑल्सो अभी मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के पूजा करके. बहुत टाइम के बाद अभी आज मैंने पूजा किया है. लाइक आई वॉन्ट टू स्टार्ट डूइंग इट रेगुलरली. बट येस, अभी मैं बिल्कुल रेडी होकर बैठ गई हूँ. एंड आज घर पर गेस्ट भी आने वाले हैं, दीदी आने वाली है, तो इसीलिए आज मैं शूट तो और कुछ नहीं कर पाऊँगी. तो फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग ही कर लेते हैं. एंड आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू एडिट, तो आज मैं वो कर लूँगी. बट अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ है. सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू डू माई ब्रेकफास्ट. एंड आज ब्रेकफास्ट में शायद से पूरी बनी हुई है क्योंकि हमारे वहाँ जब भी त्यौहार होता है तो पूरी बनती है. एंड बाय द वे, टुडे इज़ द 15th January. आई नो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे 14 January को मकर संक्रांति मनाई गई है, बट हमारे इधर 15th को है. एंड मैंने देखा है कि हर स्टेट में बहुत अलग तरीके से मकर संक्रांति बनाई जाती है. तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ पे 14th को बनाए है या 14th को मनाई गई है या आज आप लोग मना रहे हो. एंड आप लोगों के यहाँ मकर संक्रांति में क्या क्या करते हैं आप लोग मुझे बताना. एंड मैं क्या क्या करती हूँ वो तो आप लोगों को व्लॉग में देखने मिल ही जाएगा. सो ये हमारे यहाँ हर त्यौहार का स्टेपल होता है, पूरी, देन आलू की सब्जी एंड ऑब्वियसली खीर. सो लेट्स डिग इन. हियर इज माई ब्रेकफास्ट. एकदम हमारा स्टेपल हमारे हर त्यौहार में यही बनता है. सो आई हैव खीर, आई हैव आलू की सब्जी, पूरी एंड उसके बाद ये बड़ा है, मतलब वड़ा बोलते हो कि बड़ा पता नहीं, हमारे इधर बड़ा बोलते हैं. ये उड़द की दाल का बनता है मेरे ख्याल से. एंड दिस इज वेरी वेरी ऑयली एंड अनहेल्दी, बट इट इज यम. एंड फेस्टिवल्स में हमारे वहाँ यही खाते हैं, स्पेशली मकर संक्रांति के दिन तवा नहीं लगता तो पूरी खानी पड़ेगी. एंड येस, आई एम नॉट गोना ओवर ईट. मैं सिर्फ 4 पूरी लेके आई हूँ. लाइक ऑब्वियसली दैट इज द मिनिमम आई कैन गो, इससे नीचे नहीं हो सकता, बट इससे ज्यादा भी मैं आज नहीं खाने वाली हूँ. सो अभी मैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ वाइल वॉचिंग समथिंग ऑन यूट्यूब एंड देन आई नीड टू प्लान द डे. मेनी आवर्स लेटर. तभी लेके जाऊँ, महंगा आता है इसलिए मैंने आपको महंगा. अच्छा, और ये कौन सा फूल है? ये, हाँ ये लाल वाला. ये पहलिया, ये कितना ऊंचा जाता है? ये भी ज्यादा नहीं जाएगा. अच्छा, ओके. सो मैं अभी एक क्विक सब्जी शॉपिंग करके आ गई हूँ. साथ में मैं जाके 2 फ्लावर्स लेके आ गई थी. दे लुक सो प्रिटी. एंड सो यस, नाउ आई एम सिटिंग डाउन टू डू अ लिटिल जर्नलिंग एंड टू यू नो प्लान सम कॉन्टेंट, क्योंकि मुझे आज ज़्यादा टाइम शूट के लिए तो मिलेगा नहीं, तो आई माइट जस्ट एडिट. तो मैं सबसे पहले इस जर्नल में अपना डेली जर्नलिंग करती हूँ. ये सिम्बा लाइफ स्टाइल की जर्नल है. एंड देन ऑल्सो आई विल फिल अप माई प्लानर एंड देन लेट्स सी व्हाट ऑल आई हैव टू डू टुडे. अभी तो दीदी आई नहीं है तो आई एम एबल टू डू सम वर्क. आई डोंट नो कि उनके आने के बाद इफ आई विल बी एबल टू शूट और नॉट, बिकॉज आई स्टिल गेट अ लिटिल कॉन्शियस, यू नो, व्लॉगिंग इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल. Who's finally here? Dilao. Hello, bolo hello. Hello. आपका नाम क्या है? तालवी. तालवी. आप खुद लगाएंगे? खुद लगा लोगे? वहाँ पे देख के लगाओ. अरे वाह. ऐसे लगते हैं क्या? क्या करते हैं? हैं? कैसे लग रहे? अच्छा लग रहा. बोलो तो. और तू ये ना अगर पिंक कलर भी देती तो दिखता कम, लाल रंग देने लगता. सबकी जान हलक में अटकी हुई है. खराब हो जा.
तीन एक एक महीने के बाद मैनिक्योर हो रहा है मेरा है दीदी, एक महीने बाद मैनिक्योर हो रहा है, सीधे फाइव स्टार सर्विस मिली है। मुझे भी छूकेगी। हाँ हाँ ठीक है, इसको हिला मत। लगा अच्छी लगा दी उसने, फिर भी अपने हिसाब से तू तो राड़ी बहुत चुकू एक ले मणिला नहीं फैला रहा बलियो मैं जो उसी अंदर ना करे अच्छी। Hi guys, so this is the next day and I just came back from office. It is dark outside and super 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 cold. क्योंकि कल संक्रांति थी and आप लोगों ने देखा कि मैं बहुत बिजी चल रही थी. I couldn't even, you know, continue vlogging after a point. I just kept my camera down and spent time with my niece and also क्योंकि कल बहुत खाना बनाना था. Like हमारे यहाँ पे tradition है खजूर और तिल के लड्डू बनते हैं, तो वही हम लोग बना रहे थे and पूरा time उसमें निकला. एंड देन आई एट सो मच वाइल कुकिंग, वो डीप फ्राइड होता है, एंड आई एट सो मच वाइल कुकिंग कि मेरे पेट में फिर दर्द होने लग गया था, एंड आई वॉज जस्ट सो एग्जॉस्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्क एंड ऑल्सो माई स्टमक वॉज पेनिंग. तो मैं तो सो गई थी कल, एंड आज मैं ऑफिस से अभी आई हूँ. इट इज़ अ डार्क आउटसाइड एंड इट इज़ सुपर सुपर कोल्ड, तो मैं बैठी हूँ अभी वीडियो एडिट करने के लिए क्योंकि कल मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि आज डाल दूँ नहीं तो कल डाल दूँगी. मेरा स्केड्यूल बहुत मैस्ड अप चल रहा है, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट. मतलब मैं अभी यही है कि ऑफिस और ये साइड बाय साइड करने की वजह से ना बहुत मेरा मिक्सअप हो जाता है. बट हाँ, मैं अभी वीडियो एडिट करने बैठी हूँ, और अगर तो आज हो गई मैं 8 बजे तक डाल दूंगी, वरना कल वेंसडे को सुबह सुबह ही डाल दूंगी मैं वीडियो. एंड यस, आई एम जस्ट गोना एडिट द वीडियो नाउ एंड ट्राई टू अपलोड इट टुडे. एंड ऑल्सो इट इज़ लाइक सुपर कोल्ड. आज मैं ऑफिस गई थी एंड आई एम वेयरिंग वॉट लाइक 1, 2, 3 and 4 स्वेटर्स आई एम वेयरिंग. लाइक 1 टॉप है एंड उसके ऊपर से 3 स्वेटर्स आई एम वेयरिंग एंड ओ माई गॉड आई एम स्टिल फ्रीजिंग टू डेथ सम हाउ. बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा, और ये ठंड बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रही है. आई डोंट नो, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट डन विद विंटर्स नाउ. आई एम सुपर अनॉयड एट दिस पॉइंट. आप लोग मुझे बताओ कि जहाँ पे आप लोग रहते हो वहाँ कितनी ठंड है. यहाँ पे टेम्परेचर तो दोपहर में 13 या 14 degrees दिखा रहा था, बट नो डूड, इट वॉज 8-9 ish ऐसा मुझे लग रहा था. आई थिंक एप्पल का तो वेदर वाला ऐप ही बेकार है. बहुत ज़्यादा ठंडी थी, आज धूप भी नहीं निकली और बहुत ठंडी हवा चल रही थी एंड इट वॉज सुपर फॉगी. सो द टेम लाइक द वेदर वाइज तो द सिचुएशन हियर इज नॉट दैट गुड. एंड सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है एंड दैट इज जस्ट स्ट्रगल ऑन अनदर लेवल. बट या, आई एम जस्ट गोना एडिट नाउ. एक ब्रेक लेके और मैं आजकल ड्राइविंग सीख रही हूँ, जैसे मैंने अपनी बकेट लिस्ट में लिखा ही हुआ है 2024 की. और मेरा भाई मुझे ड्राइविंग सिखा रहा है, अभी वो अपने एग्जाम दे के आया हुआ है. इतनी ठंडी में बाहर नहीं निकला जा रहा था, बट ड्राइविंग के लिए तो मैं आ ही गई हूँ. एंड अभी आई एम गोना ड्राइव. अभी मैं आई एम नॉट व्लॉगिंग इट राइट नाउ क्योंकि अभी तो मैं बस सीख ही रही हूँ. ओके, सो द पूजा है स्टार्टेड एंड माई मॉम आस्क्ड मी टू वेयर अ सूट, इतनी ठंडी में सूट. एंड एनी वेज मेरे पास कोई विंटर्स के लिए सूट था नहीं, तो फिर मैंने मम्मी के वार्डरोब में से ये सूट निकाल के पहन लिया. ऑल्दो इट इज़ वेरी वेरी लूज, बट ठीक है, इट विल बी लाइक ठीक है, मम्मी ने बोला था तो मैंने पहन भी लिया. एंड ठंडी में भी मैं नहीं मरने वाली हूँ. एवरीबडी इज़ लाइक ड्रेस्ड अप और फैशनेबल टूडे, बट आई जस्ट डोंट फील लाइक ड्रेसिंग अप. आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे. मैंने अभी टीका लगाया है, ये टेढ़ा लग गया है, बट ठीक है, आई जस्ट इग्नोर इट क्योंकि अभी इसको पोछ तो सकते नहीं है. सो आई एम जस्ट वेयरिंग दिस सूट. ऑल्सो इट इज़ वार्म इनफ, तो मैं स्वेटर नहीं पहन रही ऊपर से.
I'll just take this shawl. ठीक है, कौन से कलर का फ्लावर चाहिए आपको? ये वाला चाहिए, ये वाला। और कौन सा कलर? इधर इधर इधर, रोड पे नहीं जाना। और कौन सा चाहिए? येलो भी चाहिए। तो क्या चाहिए फिर बताओ? रेड भी चाहिए। रुको, वन वन, रुको रुको, अरे इसको उठाओ, पकड़ो। बोलो अंकल को। ये कल पूजा थी घर पे, एंड ऑल्सो माय नीस वाज देयर। तो कल का मेरा पूरा दिन उसी के साथ में निकल गया था, तो आई कुडंट जस्ट व्लॉग मच। एंड सो या, दिस इज द नेक्स्ट डे, एंड आज टुडे विल बी अ शूट डे फॉर मी। सो आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर दैट। अभी मैंने अपने बाल धोए हैं, एंड माई गॉड, दिस विंटर्स माई हेयर हैज़ बीन लाइक परमानेंटली डैंड्रफ प्रोन, एंड आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली बिकॉज मेरे यहाँ टंग के नीचे देर आर सम ब्लिस्टर्स, ऐसे कट्स लग गए हैं, एंड इट इज़ पेनिंग अ लॉट वाइल आई एम टॉकिंग ऑल्सो, एंड आई एम नॉट एबल टू ईट ऑल्सो एनी थिंग। तो इसीलिए आई एम जस्ट स्पीकिंग वेरी लाइक विदाउट मच ऑफ अ मूवमेंट विद माई टंग, सो जस्ट बेयर विद दैट। बट एनी वेज, येस, आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप व्लॉगिंग एंड सी लाइक यू नो जस्ट गेट द हैंग ऑफ इट। सो येस, अभी मैं अपने फटाफट से बाल ब्लो ड्राई कर लेती हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द शूट। और मे बी आई एम थिंकिंग नॉट टू ब्लो ड्राई माई हेयर टूडे एंड जस्ट टू स्टाइल दम कर्ली, लेट्स डू दैट। Okay, so for that I will be using this Bare Anatomy ka curl intensifying leave-in conditioner. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यही वाला use करती हूँ, I use whatever I want to that day. तो अभी फिलहाल मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, and also Curlvana का जो curl cream है that is also really really good, and in fact Curlvana की तो अब wavy hair की, oh, I just spilled it all over. A few moments later. As I was saying, Curlvana के products काफी ज़्यादा affordable हैं for the curly hair girlies, and अभी they just came out with the wavy hair का range, and I'm planning to try that out because obviously my hair is more like wavy and not curly, so I think that might work better for me. And ये साज में बस ऐसे हल्के से इनको curly hair की तरह style कर लूँगी। I'm not doing that intensive, एकदम wet drippy hair में। अभी मैं बस थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ ताकि थोड़ा frizz tamed रहे। डन, अभी मैं इनको बस एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। दिस इज व्हाट दे लुक लाइक राइट नाउ। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, आई जस्ट वेंट विद टू प्रोडक्ट्स एंड दैट्स इट, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू लेट देम एयर ड्राई व्हाइल आई प्रिपेयर फॉर माय शूट। सबसे पहले आई हैव टू डू माय नेल्स बिकॉज मेरे नेल्स की बहुत बुरी हालत हो रखी है, 2 वीक से मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। एंड सबसे पहले आई एम गोना फिक्स द नेल्स एंड देन आई एम गोना स्टार्ट विद माय डे। सो दिस इज व्हाट द नेल्स आर लुकिंग, वेरी प्रिटी डार्क चॉकलेट कलर
परफेक्ट फॉर द विंटर्स एंड अभी जाके थोड़ा सा फ्रेश हाथ देखने लायक लग रहा है. दे वर लुकिंग सो बैड एंड आई जस्ट कट ऑफ द लेंथ क्योंकि काफ़ी सारे बहुत छोटे हो गए थे, काफ़ी बहुत लंबे हो गए थे. आई स्टिल डोंट नो हाउ टू शेप माई नेल्स प्रॉपरली बट देन वी हैव टू वर्क विद दिस. सो द नेल्स आर डन. अभी आज की टू डू लिस्ट हैड हेयर वॉश जो मैं कर चुकी हूँ, हैड नेल्स जो मैं कर चुकी हूँ एंड देन आई हैव टू अपलोड एडिट एंड अपलोड अ वीडियो टूडे. I have to edit 1, 2, 3, 4, 5 shots today. I have to wash my brushes today. I have to vlog that I'm doing. And also, आज मैं एक creative makeup look create करने वाली हूँ. तो I think that is what I am going to do first. Because stalking through my profile और मैं देख रही थी कि पहले like when I started the channel मैं काफ़ी सारे creative makeup looks और different makeup looks basically करती थी. creative तो उतना ज़्यादा नहीं but I used to really experiment with my looks and over the time I have literally stopped and my profile did not look so appealing to me. तो मैंने सोचा कि I'm just going to try something different, a colorful bright eye makeup. And I'm just going to give it a try. और मैंने यहाँ पे अपना shoot setup तो कर लिया है but I don't know if I'll be posting it or not because it is just an experiment. Because अभी मैं sure नहीं हूँ कि if I'll be able to create what I want to or not. So there is this Instagram creator that I follow. उनका नाम है पलक्स मेकअप, पलक मेकअप वो जिस तरीके से and I love the makeup looks that she creates and I don't know if I'll be able to or not. But yeah, I mean let's just try. So yeah, that's what I'm gonna do now. This is the first attempt that I did, but मुझे ये ऊपर वाली इसकी shape पसंद नहीं आ रही है. तो I'm gonna remove this and do it again. Many hours later. I finally give up. I tried like thrice, but नहीं हुआ. Like हुआ, but obviously wasn't perfect. And I just didn't like it, so मैंने उसे shoot नहीं किया. And I'm going to try it again. I'm going to keep practicing until I learn how to do those kind of makeups. Like मुझे normal cut crease आता है, but like those winged cut creases, I just cannot. But obviously because मैंने इससे पहले कभी practice भी नहीं किया था, I need to practice. And now I have my lunch over here, so I have a roti and I have this Nutella सोयाबीन सोया बड़ी की सब्जी एंड ये कल पूजा का प्रसाद है. सो आई मै हैव लंच नाउ एंड देन आई हैव टू एडिट अ वीडियो एंड अपलोड इट टुडे इटसेल्फ. सो दैट इज द प्लान ऑफ द डे एंड एनीवेज टुडे इज वन सच डे दैट आई एम फीलिंग वेरी वेरी डीमोटिवेटेड. आई डू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग एल्स. सो आई जस्ट एडिट इट एंड कॉल इट अ डे सो दैट एटलीस्ट सम ऑफ माई वर्क इज डन. आई डोंट फील वेरी प्रोडक्टिव एंड इट इज लाइक अ वेरी नेगेटिव एनर्जी दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ. आई डोंट नो वाई बट होते ना सम डेज यू हैव दोज डेज वेन यू जस्ट फील लाइक गिविंग अप when you don't understand what all the purpose is. So that is the kind of day that I'm having today. So I'm just going to not focus on that part and just edit. And yeah, firstly I'm gonna have lunch right now. जिस दिन मैंने पाव भाजी बनाई थी तो मैं कहां पे आई हूं. मैं नेट नहीं चलेगा यूट्यूब की वीडियो नहीं मतलब आपको एक बात बताऊं मम्मी आप अपना दिमाग देखो. मतलब एक बार को चलो नेट भी चल रहा है, वर्ल्ड वॉर और अगर लोग मेरी वीडियो देखेंगे मतलब आप अपना दिमाग देख रही हो. मतलब मान लो बाहर बम गिर रहे हैं आप यहाँ बैठ के यूट्यूब की वीडियो देख रही होगी, आपने अपनी अक्ल आपकी अक्ल कहाँ गई होगी. उसके लिए न्यूज चल रहा होगा और हो सकता है न्यूज भी ना चले. भाई हम आपको मजाक लग रहा है क्या, वर्ल्ड वॉर समझ आती है क्या. जान बचाएंगे अपनी और क्या करेंगे. जान मम्मी पर बम गिर गया तो आपकी जान गई, एक बम में गई. यहाँ कोई नहीं सकता अभी इतनी जल्दी जब तक है मोदी. अच्छा मतलब मोदी जी ऐसे आके कैच कर लेंगे ना बम को. नहीं कहाँ भागोगी पार, पार रहा
पार कोई नहीं आ सकता, वर्क करने वाला पहाड़ क्यों आएगा। मम्मी वो पैदल नहीं आ रहे हैं, हवाई हमले होते हैं, बम देश के ऊपर गिराए जाते हैं, ये देख के नहीं गिराए जाते कि यहाँ पे बीच है कि पहाड़ है। One eternity later. Okay, so the video is edited and live now. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, चेकआउट कर लेना एंड इग्नोर हाउ आई लुक राइट नाउ क्योंकि किचन में लाइटिंग बहुत कम है एंड प्लस अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ। एज आई सेड आई थिंक आई मैंशनड इट अर्लियर इन दिस वीडियो कि आज ना मुझे थोड़ा सा ऐसे नेगेटिव सा फील हो रहा था, बट स्टिल आई एंडेड अप एडिटिंग एंड अपलोडिंग द वीडियो एंड थोड़ा सा अपना मूड चेयर अप करने के लिए मैंने सोचा कि आज डिनर बनाते हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले मशरूम लेके आई हुई थी एंड मम्मी ने तभी से बोला हुआ था कि ये तो तू ही बनाएगी तो खराब भी हो जाती है रखे, इसीलिए अभी आई एम मेकिंग छोलिया एंड मशरूम। कमेंट डाउन बिलो अगर आपने छोलिया मशरूम की सब्जी खाई हुई है एंड इफ यू लाइक इट और नॉट मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। इफ यू आर समवन हु लव्स मशरूम और नॉट, वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस में आई रियली लव मशरूम, लाइक आई डू नॉट लाइक पनीर दैट मच, आई एम नॉट अ बिग पनीर फैन, तो मुझे पनीर ज्यादा पसंद ही नहीं है, सो बहुत ही कम ऑप्शंस बचते हैं, तो वेजिटेरियन ऑप्शंस में आई रियली लव मशरूम एंड आलू। सो यस आज मैं बना रही हूँ छोले और मशरूम की सब्जी, अभी मैंने सारी प्रेप कर ली है।